वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम में शुभम सिंह हानिया एंड आई एम योर मेंटर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड टूडे आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विथ मी शी इज लक्षिता सप्रा हुर यूजीसी नेट इन कॉमर्स लेट मी टेल यू की ये वर्किंग मदर है सो इनके साथ काफी सारे चैलेंजेस आए होंगे वाइल्ड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ यूजीसी नेट एग्जाम बट इन्होंने सारे चैलेंजेस को ध्वस्त करते हुए अच्छे से प्रिपेयर करते हुए यू जी सी नेट इन कॉमर्स क्रैक कर लिया है सो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेस लक्षिता एंड वेलकम टू आर चैनल Thank you so much, sir. Hi everybody. Now, my first question is कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि UGC NET इन कॉमर्स क्रैक करने से पहले what has been your educational qualification and क्या अदर कोर्सेज आपने पर्सुव की है? Okay, so well, I have done my B.Com honors from Rangrez College, University of Delhi. Then I did my uh, M.Com from University of Delhi only, Delhi School of Economics. Then I did my B.Ed. In between, I worked for about 1 year, 3 months. with a multinational company in Delhi only so when I was working I used to uh, give home tuitions to my to uh, children of 11th and 12th so that's how I realized that I always wanted to go into teaching so I started give my, giving my net exam and this was my fourth attempt in which I cleared my net exam. Wonderful. So I think आप रामजस कॉलेज से है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी ही देन यू हैव ऑल्सो डन योर बी एड सो दैट मीन यू कैन गो फॉर यू माइट बी टीचिंग एज वेल इन स्कूल एज वेल एंड नाउ यू है अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई है राइट 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 शो नाउ इधर आगे ने अप्लाई इन स्कूल्स और कॉलेजेस बोथ वंडरफुल दैट्स अमेजिंग लक्षिता नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब आपने अपनी तैयारी शुरू करी दैट मींस हाउ माह मच टाइम हैव यू डिवोटेड कितने मंथ्स पहले प्रिपरेशन शुरू करी एंड हाउ डीड यू स So when it was in June 2020, I started my preparation in March. That was exactly three, three and a half months before the exam. So when I, the notification came to of the postponement, then I uh, gave a gap, and then for the October exam, I resumed my preparation from the August month. Okay. That was two months before the exam. Earlier okay. I had studied for two months, and now this these were two months. So approximate four months I have studied for this this particular net examination and if you talk about the work, uh, study hours that i would say since i am a working mother so right. it was very difficult for me to sit for a long duration of hours to uh, devote time to ugc net preparation so i used to study for about half an hour to 1 hour and uh, i used to pick up one topic and then i i used to complete that topic first right so i am sure lakshita ki kafi a challenging सो एज यू टोल बी अलिया डैडी यू आर ब्लेड विद बेबी सन ऑल्सो सो काफी right, सारे चैलेंजेस right, right. आएंगे कि उसको भी मैनेज करना है आप वर्किंग मदर हैं तो अपने काम को भी मैनेज करना है उसके साथ प्रिपेरेशन करनी है तो काफी सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आए होंगे एंड आई एम श्योर की एंड आई एम श्योर की आपका जो एक्सपीरियंस है एंड जो आज आप अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं वो काफी ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज दे गेट एन आइडिया की किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है एंड किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है right sir but sir i would uh, you know uh, i i i would like to tell everybody that i used to follow your strategy of uh, reverse engineering that you have to you know go and do, go the go in the reverse strategy wise for while pre preparing for net examination right. and i used to see your videos thoroughly and that's how i got to clear my exam थैंक यू सो मच लक्षिता एक्चुअली देखिए बहुत फैक्चुअल सी चीज है कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी होती है हार्डवर्क सो नि इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करते हैं एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैक एनी एग्जाम्स सो आई एम ग्लेड कि आपने वो यूज किया एंड वो रिजल्ट दिख रहे हैं हमारे सामने नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज इस वॉट आर द बुक्स स्पेसिफिकली क्या बुक्स क्या स्टडी मटीरियल आपने यूज किया है स्पेसिफिकली फॉर पेपर वन एज वेल एज फॉर पेपर टू Okay, so uh, as far as books are concerned, I would say there are many books available in the market. There is no one particular book that would be, uh, uh, you know, that is that I would say is the best for uh, preparation for NET. But then, if you go into the your graduation and post graduation books, you can go into go in the conceptual clarity from those books, and you can always go for mock tests and uh, sample papers from the books which are available in the market.

ओके तो सर एज आई टोल्ड यू एज यू नो दैट आई एम ब्लेस्ड विदी बॉय ऑल्सो फोर मंथ्स बैक सो ही वॉज अबाउट टू मंथ्स वेन आई गेव दिस एग्जाम सो वो दो महीने मेरे लिए काफी चैलेंजिंग थे बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी को संभालना आपको पता ही है कितना मुश्किल है लॉन्ग विद योर वर्क

Right. accordingly right. and if you guys are working i would say uh, then in lunch break if you have one hour lunch break or half an hour lunch break give 15 minutes to uh, study and if you come home by say 8 or 9 then take about one hour two hours rest and then you can study for one hour but sitting for long duration of hours and doing cramming things won't work you have to do smart work right. for preparation of the event राइट लक्षता आई थिंक आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही जो जिसे कहते नहीं हैं रियलिस्टिक एक्सपीरियंसियल चीजें जो स्टूडेंट शायद नहीं बोल पाते हैं जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं जैसे वंस यू आर मैरिड यू वंस हैव किड्स तो आपको बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉसिबिलिटीज हैं जो निभानी पड़ती है एंड आई एम श्योर की बहुत चैलेंजिंग होता होगा तो आई एम श्योर की आपकी स्टोरी सुन के आपसे काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे रिलेट कर पाएंगे दिल बी एबल टू फील की आपने भी वही चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करी है जो उन्होंने फेस करी है एंड आपसे उनको डेफिनेटली मोटिवेशन मिल मिलने वाला है टू क्रैक दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि पास्ट ईयर सिर्फ लगा के चले जाएं मॉक टेस्ट लगा के चले जाएं तो कितने पास्ट ईयर आपने लगाए थे वर दे हेल्पफुल एंड कितने मॉक टेस्ट लगाए थे आपने सर आई वुड से दैट मोर देन पास्ट ईयर्स मॉक टेस्ट वर मोर यूजफुल फॉर मी बिकॉज़ क्वेश्चंस नेवर रिपीट इन यूजीसी नेट एग्जाम So uh, pattern, do, types, two concepts, too, But questions will never repeat. So what you can do is you can first go for mock test. You can see which area you are lacking behind, and then you can work upon that area. And uh, as far as past year papers are concerned, don't go for so many years of uh, past papers. Just right. go for four to five. Uh, say 2020 one exam you are giving.

Since it was my fourth attempt, so it might be uh, possible that you or your fellow friends might not clear in your in the first attempt or second attempt. Right. So give up, keep going, keep going, keep working hard, keep practicing to uh, clear this exam. Practice and practice makes the man perfect. Right. My second advice would be uh, always stay optimistic. Be positive at any point of time. वेन एवर यू फील दैट कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई, कोई नहीं हो रहा है पीपल जनरली गेट डी मोटिवेटेड सो गो टू दिंदल क्लासेस दे हैव डिटेल्ड वीडियो ऑफ ऑल दी ऑलसेप्ट आई वुड से एंड यू कैन गो थ्रू देम गो थ्रू देम थोरली एंड यू कैन प्रीपेर फॉर योर नेट एग्जाम सो आई थिंक लक्षिता ने बहुत अच्छे से सब कुछ सम अपप कर दिया क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला सो दे ट्राई टू गिव सो गिव अप नहीं करना है कीप गिंग यूर अटेम कीप फो ऑन कंसेप्पल क्लैरिटी तो आएम श्योर लक्षिता जो आज आपने अपनी सक्सेस जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स uh, के साथ शेयर किए हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो एंड देल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम इन फ्यूचर एज वेल सो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेन्स लक्षिता वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एस ऑन अर चैनल थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर